आपका मतलब ये शॉप कितने टाइम से है यहाँ पे? 15 साल हो गए एकदम मुलायम होती है सैंडविच। अगर आपको मैं देखो आज सैंडविच खाने का मन कर रहा था तो सोचा चलो आपको जहाँ की मेरी पर्सनल फेवरेट है वहाँ की सैंडविच आपको दिखाता हूँ। और अहमदाबादी को सैंडविच में अगर नाम पड़ता है सैंडविच का तो सबसे पहले याद आता है आलू मटर सैंडविच। मुझे पर्सनली जहाँ की आलू मटर सैंडविच सबसे ज़्यादा पसंद है वहाँ पे आपको लेकर आया हूँ आज और आपको पूरा वीडियो यहाँ का दिखाएंगे। ऑनर से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे सबसे यहाँ पे सैंडविच बनाते हैं और क्या क्या सैंडविच यहाँ पे और क्या क्या आइटम रखते हैं सैंडविच के अलावा वो भी सब पूछेंगे। तो फिर चलिए वीडियो में ज़्यादा देर नहीं करते, सीधा मुद्दे पे आते हैं, चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते भारत, मैं हूं नीलेश गुप्ता आपका होस्ट और दोस्त और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बुकर न्यूज़ के एक और नए और मज़ेदार वीडियो में। तो फिर चलिए अब ज़्यादा देर नहीं करेंगे, हम ऑनर से सीधा बात करेंगे मतलब कब से सैंडविच बनाते हैं और कौन कौन से सैंडविच यहाँ पे रखते हैं और क्या क्या आइटम रखते हैं यहाँ पे, उन ऑनर से ही बात करेंगे, उनसे ही पूछेंगे। चलो तो चलिए हम ऑनर से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे मतलब कब से सैंडविच बनाते हैं। तो यहाँ के ऑनर है, उनसे बात करेंगे। तो सर आप अपने सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम गणेश सिंह है। क्या नाम बताया? गणेश सिंह। गणेश सिंह, और आपका मतलब ये शॉप कितने टाइम से है यहाँ पे? 15 साल हो गए। 15 साल हो गए मतलब काफ़ी पुराना शॉप है यहाँ पे। यहाँ पे और क्या क्या आप आइटम क्या क्या रखते हो यहाँ पे? सैंडविच, पिज्जा, भेल, दाबेली, वड़ा पाव, पब, मस्का बन सब बनाते हैं। अच्छा मतलब फास्ट फूड वाली आप सारी चीज़ें रखते हो। ओके ओके, आपकी स्पेशलिटी क्या है? आलू मटर हमारी। आलू मटर, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया अहमदाबाद के अंदर ना सबसे ज़्यादा लोग अगर सैंडविच का नाम पड़ता है, अगर सैंडविच का नाम आता है तो सबसे ज़्यादा लोग ना आलू मटर सैंडविच ही खाना पसंद करते हैं। तो आज वही बनवाएंगे। और आपको मतलब आपकी प्राइस क्या है सैंडविच की यहाँ पे? 40 रुपये से चालू होती है और जैसे बोले तो अलग अलग वैरायटी है। अच्छा अलग 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 मतलब चीज मेल हो तो अलग ऐसे रुपये से चालू होती है, 100 रुपये वाली है, जैसे अलग अलग कोई भी आइटम का भाव है चालू होती है 40 रुपये से, मतलब 40 रुपये स्टार्ट होती है। तो मतलब रिजनेबल प्राइस है, 40 रुपये में आलू मटर सैंडविच मिल रही है, अच्छी बात है। चलो अब ज़्यादा देर नहीं करेंगे और सीधा बनवाएंगे। सबसे पहले इनको टाइमिंग पूछ रहे थे, आपका टाइमिंग क्या है? हमारा बोले तो सुबह 8 बजे ऐसे तो खुल जाती है, माल बनता है 10 बजे, 10 बजे से चालू हो जाता है रात को 12 बजे तक। 10 बजे से रात को 12 बजे तक। और आपको मैं लोकेशन भी दिखा दूँ, अगर आपको कहीं अगर यहाँ पे आना है तो एग्जैक्टली भुयंगदी क्रॉस रोड बोलते हैं, महाकाली का मंदिर बाजू में है। अगर थोड़ा सा आप अगर मेमनगर गाँव से अगर आते हो तो इस तरफ तो आपको कॉर्नर पे ही अगर आपको आना है तो यहाँ पर आपको तुरंत ही मिल जाएगा। और अगर फिर भी अगर आपको ऐसे पता नहीं चलता है तो गूगल मैप की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, एक बार जाके जरूर से देख लीजिए। तो चलिए आलू मटर सैंडविच बनाते हैं यहाँ पे ट्राई करते हैं। वैसे तो मैंने आपको पहले ही बता दूं मैंने यहाँ पे बहुत बार ट्राई करी हुई, मुझे यहाँ की पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और इसीलिए स्पेशली यहाँ का वीडियो में लेकर आया हूँ आपके लिए। तो चलिए बनवाते हैं। ये आलू मटर का मसाला है यहाँ पे, आलू मटर मसाला। और क्या क्या मतलब आप क्या क्या डालते हो आप बताओ? वो मसाला कौन सा है वो तो हम समझ गए बराबर, लेकिन और क्या क्या चीज़ ऊपर से डाल रहे हो आप बताते जाओ। ऊपर से तो अभी तो क्या, ये तो अभी सॉस और सेव और ये आएगा उसमें। अच्छा अच्छा, और एक बार आपकी ब्रेड दिखा दीजिए, आपकी ब्रेड देखिए क्वालिटी कैसे भी करो एकदम मुलायम होती है, दांत निकल का भी खा जाएगा। अच्छा अगर दांत नहीं होंगे तो भी खा जाएगा, भी दांत नहीं होंगे ना तो भी। भाई साहब ये देखिए ब्रेड, अगर सैंडविच अगर आपको मैं देखो अगर आपको सैंडविच खानी है ना तो अगर इस तरह की क्वालिटी हो ना ब्रेड की तो ये सैंडविच खाने में बहुत मजा आता है। ठीक है तो फिर चलिए बनाइए हमारे लिए सैंडविच। हम क्या ब्रेड टूट जाती है बोले तो वो ब्रेड क्या कड़क होती है टूट जाती है, तो सुबह अपने 10 बजे ही आती है ब्रेड, गरम गरम ही आती है, मतलब फ्रेश आती है, फ्रेश ही आती है। ऊपर से भाई साहब ने थोड़ा बटर लगा दिया और कटिंग कर दिया, अभी ऊपर सॉस आएगा, बाद में मसाला आएगा और सेव आएगा। सैंडविच तैयार हो चुकी है और देखिए आप अहमदाबाद के अंदर ना सब लोग तो नहीं बोलूंगा लेकिन ज़्यादातर लोग ना आलू मटर सैंडविच खाना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये आप देख सकते हैं वैसे हमने बहुत बढ़िया बनाई है यहाँ पे सैंडविच। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब सीधा इसे ट्राई करेंगे और आपको बताएंगे हमें एक सैंडविच कैसी लगती है। वैसे आपको मैं ट्राई करने से पहले ही बता देता हूँ, रिकमेंड करता हूँ कि आप यहाँ पर आइए एक बार, आलू मटर सैंडविच एक बार से जरूर से ट्राई कीजिए, आपको सीरियसली बहुत मज़ा आएगा सैंडविच खाने में। चलिए जैसे कि आप देख सकते हैं हमने आलू मटर सैंडविच बनवा लिए, अपने मेकिंग प्रोसेस भी देख ली और पर्सनली मुझे मैंने आपको इस वीडियो में मैंने 2-3 बार बता दिया मुझे आलू मटर सैंडविच मुझे सबसे ज़्यादा फेवरेट है मेरी। बाकी सारी सैंडविच क्या होते हैं ग्रिल करते हैं, वो अंदर पनीर डालते हैं, मायोनीज डालते हैं, वो सब मतलब फ्यूजन टाइप की सैंडविच यहाँ पे मिलती है, लेकिन पर्सनली मेरी यहाँ पे यही पसंद है।
तो चलिए ट्राई करते हैं इसे और आपको बताते हैं हमें कैसी लगती है। वैसे आपने एकदम मतलब आलू की जो फीलिंग, आलू मटर की जो फीलिंग है उसके अंदर की हुई है ना, काफ़ी बढ़िया दिख रही है। और ऊपर से सॉस और ये थोड़ी सी सेव ऊपर से डाली जो क्रंचीनेस देगी इसको। चलिए ट्राई करते हैं, आपको बताते हैं हमें कैसी लगती है। मैंने आपको खाने से पहले बता दिया था कि मेरी पर्सनल फेवरेट है यहाँ पे, यहाँ की। और चार बजे सैंडविच यहाँ पे, जब भी अहमदाबाद के अंदर भुजंगदेव क्रॉस रोड से मैं निकलता हूँ तो यहाँ पे खड़ा रहता हूँ और सैंडविच जरूर से एक बार खा लेता हूँ। मैंने खाना ही खाया हो ना खाया हो तो भी एक बार सैंडविच में जरूर से खा लेता हूँ। चलिए एक बार और आपको अंदर की एक अच्छी चल के दिखा देता हूँ। अंदर बटर है, थोड़ा सा बटर डाला हुआ है, ऊपर से सॉस डाली हुई है, ये सेव डाली हुई है। और अंदर आप देख सकते हैं कि आलू का मसाला, आलू का जो मसाला है उसका टेस्ट ना भाई साहब एक नंबर है, एकदम बढ़िया। आपको मैं जरूर से रिकमेंड करूँगा कम से कम एक बार, जैसे जरूर नहीं अगर मेरी पसंद है तो आपको भी पसंद आएगी, लेकिन मैं रिकमेंड जरूर करूँगा कि एक बार आइए ट्राई करिए। आप 20 सेकंड तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, अभी तो मेरी गारंटी। तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, इस सैंडविच को मैं ख़त्म करता हूँ, इस वीडियो को भी यहीं पे ख़त्म करेंगे। मिलेंगे आपसे किसी और नए वीडियो में, किसी और जगह पे, किसी और जगह का सीफूड दिखाते हुए, उनके ऑनर से बात करते हुए, अगर पॉसिबल होगा तो कस्टमर रिव्यू भी लेंगे। वैसे अभी तो यहाँ पे कोई कस्टमर है नहीं, मतलब दोपहर के 2:45 बज चुके हैं, लेकिन फिर भी कस्टमर अभी यहाँ पे कोई है नहीं, तो कस्टमर रिव्यू तो हम नहीं ले पाए। लेकिन अगर पॉसिबल होगा कहीं और जाएंगे तो हम कस्टमर रिव्यू जरूर से लेंगे। तो भी चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खाते पीते रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हमारे वीडियोस को देखते रहे। जय भारत, जय हिंद। चलिए वो वहाँ का आपको वीडियो आज रहे।